वेलकम टू मेडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वुमेन सर्कुलेट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल। अब वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है? बाय द हेल्प ऑफ किडनी। किडनी हेल्प करता है, उसको प्यूरिफाई करता है, उसके बाद वो बॉडी से बाहर रिमूव करता है। किडनी हेल्प टू रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी का काम क्या होता है? किडनी क्या करता है? मदद करता है क्या निकालने में? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वुमेन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं? टू किडनी, दो किडनी होती है हमारे पास, टू किडनी, टू यूरेटर एंड ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है एंड यूरेथ्रा। ये सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। किडनी वी शेप ऑर्गन होता है। किडनी किस शेप का होता है? वी, राजमा जिस शेप का होता है उसी शेप का हमारा किडनी होता है। किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी बैक साइड प्रेजेंट होता है, दो किडनी बैक साइड प्रेजेंट होती है जो कि वेन शेप की होती है। दी रीनल आर्टरी ब्रिंग द डर्टी ब्लड। रीनल आर्टरी का काम क्या होता है? ये डर्टी ब्लड लेके आता है। रीनल वेन का काम क्या होता है? ये प्योर ब्लड लेके जाता है। अब पढ़ते हैं कि किडनी में कौन कौन से ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? इंफीरियर वीना कावा, दिस इज अ पेल्विस, ये जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है इसे कहते हैं मेडुला। इसमें किडनी में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। हर किडनी के ऊपर दो किडनी होती है, एक किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, दूसरे किडनी के ऊपर भी एड्रेनल ग्लैंड, दो एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दो किडनी दो एड्रेनल ग्लैंड, किडनी की एकदम टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है? यूरेथ्रा एंड दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर रहता है और ये जो यहाँ से ट्यूब पास होती है उसे कहते हैं यूरेटर और इसे कहते हैं डॉर्सल अओर्टा। ये किडनी हमारा है, ये रीनल वेन प्योर ब्लड लेके जाता है और रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड। ये है हमारे किडनी का डायग्राम। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी क्या काम करता है हमारी बॉडी में? फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी किस तरह से काम करता है? ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन। हर किडनी के पास मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये नेफ्रॉन होता क्या है? फंक्शन परफॉर्म करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। अब द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप बैक एट द अपर एंड विच इज कॉल्ड द वुमेन कैप्सूल। इस नेफ्रॉन के पास कप शेप्ड का बैक प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं वुमेन कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, द लोअर एंड ऑफ वुमेन कैप्सूल इज ट्यूब शेप एंड इट इज कॉल्ड टिब्यूल्स। ये अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, वुमेन कैप्सूल के लोअर पार्ट पे ट्यूब शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं टिब्यूल। लोअर पार्ट पे ट्यूब शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स।
किसके पास? वुमेन कैप्सूल के पास प्रेजेंट होता है। द वुमेन कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल टेक टुगेदर मेक द नेफ्रॉन। अब ये ट्यूब्यूल और ये वुमेन कैप्सूल मिलके क्या करते हैं? नेफ्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड वुमेन कैप्सूल। एक एंड ट्यूब्यूल का कनेक्टेड होता है वुमेन कैप्सूल से, दूसरा एंड कनेक्टेड होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। ये जो ट्यूब्यूल होता है इसका वन एंड कनेक्टेड टू द वुमेन कैप्सूल, एक एंड वुमेन कैप्सूल से कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड कनेक्टेड होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। ट्यूब्यूल का एक एंड कनेक्टेड होता है वुमेन कैप्सूल से, दूसरा एंड कनेक्टेड होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होता है। द वुमेन कैप्सूल कंटेन बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। वुमेन कैप्सूल्स के पास ब्लड बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज के बहुत सारे बंडल प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं ग्रोमुलस। बंडल ऑफ ब्लड कैप ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोमुलस। नेक्स्ट, वन एंड ऑफ द ग्लोमुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी। एक एंड ग्लोमुलस का कनेक्टेड होता है किससे? रीनल आर्टरी से। वन एंड किससे कनेक्टेड होता है? रीनल आर्टरी। अभी मैंने बताया था रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, ये डर्टी ब्लड को ट्रांसफर करता है। डर्टी ब्लड का मतलब जिसके अंदर वेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। द अदर एंड ग्रोमुलस का आउट कम आउट फ्रॉम द वुमेन कैप्सूल, और दूसरा एंड जो होता है वो वुमेन कैप्सूल से बाहर निकलते हुए किससे कनेक्टेड होता है? रीनल वेन से कनेक्टेड होता है। ग्रोमुलस का पहला इन कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी से, दूसरा इन कनेक्टेड होता है रीनल वेन से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रोमुलस? ग्रोमुलस का काम क्या होता है? What is the function of glomerulus? The glomerulus is to filter the blood passing through it. Glomerulus का काम क्या होता है? वो blood को filter करता है जो उससे pass होता है। मतलब glomerulus से जो blood pass होता है, उसको वो filter कर देता है। Filter the ब्लड ब्लड को फिल्टर करता है जो उससे पास होते हुए जाता है। ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस पास थ्रू ब्लड लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड सॉल्ट यूरिया वाटर एसेट्रा पासेस द ग्लोमुलस कलेक्ट द फिल्ट्रेट ऑफ द वुमेन कैप्सूल। कुछ ही सब्सटेंस ग्लोमुलस से पास होते हैं, बाकी जो है वो वुमेन कैप्सूल्स में ही स्टोर हो जाते हैं। द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन ब्लड सेल्स कैन नॉट आउट थ्रू द ग्लोमुलस कैपिलरीज एंड हेंस बिहाइंड द ब्लड। वो ब्लड में ही रह जाता है, वो ग्लोमुलस से पास नहीं हो पाता है। द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल नेफ्रॉन इज अलाउ द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। उसके बाद जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है? वो सिलेक्टिव सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड से, बट द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन बिहाइंड द ट्यूब्यूल्स। यूरिया तो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको वो नहीं रीअब्सॉर्ब करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही रीअब्सॉर्ब करता है। वर्किंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब किस तरह से, ये तो रहा कि पार्ट कहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं,
अब पढ़ते हैं काम क्या कर, किस तरह से हमारा किडनी काम करता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सेक्रेटरी सिस्टम ऑफ वुमेन वी विल यूज टू हाईली मैनेज द डायग्राम नेफ्रॉन द डर्टी ब्लड कनेक्टिंग कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया इंटर द ग्लोमुलस। सबसे पहले जो डर्टी ब्लड है जिसके अंदर यूरिया है, डर्टी ब्लड का मतलब यूरिया, क्योंकि यूरिया तो वेस्ट सब्सटेंस होता है, वेस्ट सब्सटेंस इंटर करता सबसे पहले ग्लोमुलस के अंदर, फर्स्ट इंटर इनटू ग्लोमुलस, ग्लोमुलस में इंटर करता है। ग्लोमुलस फिर क्या करता, अभी मैंने बताया था इसका काम क्या होता है, जितना भी ब्लड ग्लोमुलस से पास होता हुआ जाता है ग्लोमुलस क्या करता है उसको फिल्टर कर देता है। तो ग्लोमुलस क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर कर देगा। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड सॉल्ट वाटर एंड यूरिया प्रेजेंट इन द ब्लड पासेस द ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड हेंस इंटर द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। जो सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड फिल्टर ग्लोमुलस ने क्या किया, उसको फिल्टर किया। फिल्टर होने के बाद वो ब्लड पास किसमें जाएगा, किसमें, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाएगा, किसमें जाता है, किसमें इंटर करता है सबसे पहले, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल से इंटर करता है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में। व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस एज वेल एज द वेस्ट सब्सटेंस पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल देन द यूजफुल सब्सटेंस जो पास होते जा रहे हैं उस ट्यूब्यूल से, वेस्ट सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंस जो पास होते हुए जाते हैं ट्यूब्यूल से, जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी वेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया सम अनवांटेड कुछ अनवांटेड सॉल्ट होते हैं एक्सेस वाटर होते हैं वो उस ट्यूब्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं, वो नहीं बाहर जाते हैं। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इज यूरिन। और जो लिक्विड बचता है उसे क्या बोलते हैं, जो ट्यूब्यूल में लिक्विड सब्सटेंस बच रहा है उसे क्या बोलते हैं, यूरिन। फ्रॉम द यूरेटर यूरिन पासेस, यूरेटर से यूरिन किस में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर रहता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर रहता है, यूरिन इज स्टोर इन द ब्लैडर एंड सम टाइम द अल्टीमेटली पासेस आउट थ्रू, उसके बाद वो यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ह्यूमन यूरिन कंटेन, ह्यूमन यूरिन के पास क्या क्या होता है, वाटर सॉल्ट एंड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। यूरिन के पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, वाटर सॉल्ट NaCl एंड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनी, ये रहा किडनी हमारा किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट, ऐसा तो है नहीं कभी कोई भी बॉडी का ऑर्गन खराब नहीं होता, हो जाता है कभी कभी खराब, तब अगर हमारी किडनी खराब हो गई वो काम करना बंद कर जाती है तब क्या होता है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर जाती है उस कंडीशन में हम डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं। कौन सी मशीन का यूज करते हैं, डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं किडनी फेलियर पे। द प्रोसीजर यूज फ्रॉम क्लीनिंग द ब्लड ऑफ द पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस। जिस तरह से हमारा किडनी काम करता है उसी तरह से सेम टू सेम डायलिसिस मशीन भी करता है, किडनी में ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उससे भी जितने भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसको अलग कर देता है, यूजफुल सब्सटेंस को अलग कर देता है, उसी तरह से डायलिसिस मशीन भी वेस्ट सब्सटेंस को अलग एंड यूजफुल सब्सटेंस को अलग, किस तरह से यूज किया जाता है। द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज, एक तो मतलब जो ट्यूब होती है एक ट्यूब को आर्टरी से कनेक्ट किया जाता है, दूसरे ट्यूब को वेन से कनेक्टेड किया जाता है। द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज मेड टू फ्लो इन द डायलिसर ऑफ द डायलिसिस मशीन मेड अ लॉन्ग ट्यूब एंड सिलेक्टली परमीएबल सब्सटेंस विच आर कॉइल्ड इन अ टैंक कंटेनिंग डायलिसिस सॉल्यूशन।
जो ये टैंक होता है, इस तरह से कुछ टैंक होता है, इससे बहुत सारी इस तरह से पाइप पास होते हुए जाती हैं। तो ये जो ट्यूब होता है, एक को आर्टरी से कनेक्ट किया जाता है, एक को वेन से कनेक्टेड किया जाता है। आर्टरी का काम क्या होता है, ये डर्टी ब्लड को लेके आता है ना, तो ब्लड के जितना भी हमारी बॉडी के अंदर डर्टी ब्लड है वो इस मशीन के अंदर आया, इसके अंदर डायलिसिस सोल्यूशन है, इसके अंदर आया, फिर प्यूरीफाई हुआ, इस तरह से हमारा किडनी काम कर रहा था। प्यूरीफाई होने के बाद वीन क्या करता है, उस प्योर को, प्योर ब्लड को फिर से क्या करता है, हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से द क्लीन ब्लड इज फॉर्म बैक टू द वीन इन द पेशेंट। डर्टी ब्लड बहुत सिंपल है, दो ट्यूब होती हैं, एक को कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे आर्टरी के साथ, एक को कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे वेन्स के साथ। आर्टरी डर्टी ब्लड को बॉडी से लेके आता है, वो आया उस ट्यूब की मदद से किस में आता है, इसमें डायलिसिस सोल्यूशन में आया, क्योंकि किडनी तो है नहीं, तो इसी के सारे हम जी रहे हैं। डायलिसिस सोल्यूशन में आया ब्लड, यहाँ पे वो प्योर होता है, प्योर होने के बाद वेन्स की मदद से वो प्योर ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ये था किडनी फेल होने के बाद हम डायलिसिस मशीन का यूज़ करते हैं। बस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अगले लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर सेकंड है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का लेक्चर बस इतना ही, थैंक यू।